वसंत बिहार के नेपाली कैंप में हमारी पहचान एनजीओ की तरफ से यहाँ पर जरूरतमंद महिलाएं और बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन पैड बांटे गए। आपको बता दें, हमारी पहचान एनजीओ लगातार जरूरतमंद महिलाएं और बच्चों के बीच पहुंचकर सैनिटरी नैपकिन पैड इस कोरोना महामारी के दौरान बांट रही है। साथ ही साथ उनको बता भी रही कि किस तरीके से इस्तेमाल करने के बाद इस पैड को डिस्पोज करना है, क्योंकि इससे भी बीमारी फैल सकती है। जिसकी वजह से आप यहाँ पर देखिए, हमारी पहचान एनजीओ के संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, मेम्बर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं वसंत बिहार की नेपाली कैंप पर, जहां पर जरूरतमंद लोगों को सैनिटरी नैपकिन पैड बांटे जा रहे हैं। साथ ही साथ उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि किस तरीके से इस कोरोना महामारी में लड़ना है। और हमारी पहचान एनजीओ लगातार इसी तरीके से दिल्ली के तमाम क्लस्टर एरियों में जाकर जरूरतमंद लोगों को सैनिटरी नैपकिन पैड बांटेगी। आर सोनी न्यूज के लिए प्रीति कश्यप के साथ कशिश की खास रिपोर्ट हम आपको आर सोनी न्यूज पर दिखा रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों को जागरूक करने आए हैं कि पैड यूज करिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये हमें है और आज हम ये कैंपेन करने वाले हैं और जिसका नाम है सुखद। जैसे जो बहुत बड़े लोग होते हैं, अमीर होते हैं, उनके लिए लग्जरी होती है अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, लेकिन जैसे हम लोग जो लोग हैं, हमारे लिए नॉर्मल सी जिंदगी मैटर करती है। नॉर्मल सा खाना, एक घर और ये पैड जैसी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। तो आज हम आपको ये डिस्ट्रीब्यूट, वेरी गुड। तो अब शुरू करें हम लोग। और मास्क सब, मेरे घर के बगल में ही ना एक आदमी की डेथ हो चुकी है, तो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। और अगर हो भी जाए तो परेशान भी नहीं होना है, क्योर हो जाता है अपने आप। जैसे खांसी जुकाम होता है ना, कोरोना बिल्कुल वैसा ही है। आज तक खांसी जुकाम का इलाज निकला है कोई? कुछ भी निकला है नहीं। बुखार आता है, पैरासीटामोल खाते हैं और ठीक हो जाता है। सिमिलरली कोरोना भी। तो स्टार्ट करें अब डिस्ट्रीब्यूशन। पूजा आ जाओ एक बार। इस वक्त हम मौजूद है वसंत विहार के नेपाली कैंप में, जहाँ पर हमारी पहचान एनजीओ द्वारा सारी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे जा रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन जो भी है, वो जब महामारी होती है तो उस समय यूज़ किया जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी जानकारी नहीं है। तो इसी के बारे में जानकारी भी दी जा रही है, कैसे डिस्पोज करना है और कैसे उसको यूज़ करना है और कैसे खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। कोरोना के साथ साथ ये महामारी भी लगातार बढ़ सकती है, तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे सैनिटरी पैड बांटे जा रहे हैं और हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा हर इलाके में ऐसे ही बांटे जाते हैं। आइए बात करते हैं। ये जो काम कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, 5 साल से हमारी एनजीओ चल रही है और अलग अलग हम इनिशिएटिव लेकर आते हैं, जिसमें अब हम सुखद इनिशिएटिव लेकर आए हैं। और ये जो चीज़ है, आप देख चुके हैं कि महामारी से रिलेटेड है, जहाँ पर हम सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि कपड़ा ना यूज़ करें, पैड यूज़ करें, सैनिटरी नैपकिन यूज़ करें। तो आपका क्या मतलब है कि इससे कितनी बीमारियाँ लगातार बढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से लोगों को किस तरह से समझाना चाहिए? एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में जो ये सैनिटरी पैड है, इनको एज एन एसेंशियल नहीं डाला गया। मतलब उस दौरान सैनिटरी पैड मिलना बहुत बड़ी फाइट हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। तब हमने सोचा कि जब हम जैसे हम जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो जिन्हें खाना तक नसीब नहीं होता है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे और उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तब जाके ये इनिशिएटिव हमने उठाया और अब हम पैड्स बांटते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप खुद को अनहाइजीनिक रखें, कपड़ा यूज करें, पैड ना यूज करें। तो आपका ये जो सैनिटरी पैड बांटने का जो चल रहा है, ये कब तक ऐसे आपका लक्ष्य चलता रहेगा और लोगों को ऐसे आप समझाते रहेंगे? ये लक्ष्य एक्चुअली तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों को जागरूक ना कर दें, जब जाके लोग ना बोले कि हाँ अब मैं पैड यूज़ करूँगी, और जब तक वो अफोर्ड करने लायक ना हो जाए। क्योंकि इसके थ्रू हम रोज़गार दे रहे हैं लोगों को, हम डिस्पोजेबल बैग बनवाते हैं कि जिसमें ये जो पैड है यूज़ करने के बाद डिस्पोज करें, और इसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि इनका कहना है कि ये लक्ष्य इनका चलता रहेगा और लोगों को ये लगातार मदद करते रहेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे कि कपड़ा ना इस्तेमाल करके पैड का इस्तेमाल करें। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर सोनी न्यूज़।